दोस्तों, अगर आप सैमसंग एलईडी टीवी को यूज कर रहे हो, स्मार्ट एलईडी टीवी को, देन सैमसंग स्मार्ट एलईडी टीवी में कैसे एक बढ़िया कलर सेटिंग करोगे, इवन कलर सेटिंग कैसे करोगे, ये जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूले। इस चैनल पर ऑलवेज आपको टीवी डीटीएच रिलेटेड वीडियोस का अपडेट मिलते रहता है। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सैमसंग स्मार्ट टीवी में कैसे आप कलर सेटिंग करोगे। तो दोस्तों, ये सैमसंग का एक 32 इंच स्मार्ट एलईडी टीवी है और यहाँ पर देखिए, इस टीवी में आज हम कलर सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको चाहिए सैमसंग का रिमोट चाहिए। सैमसंग एलईडी टीवी का रिमोट पे सबसे पहले होम बटन को आपने प्रेस करना है। होम बटन कौन सा होता है? ये होता है होम बटन, ठीक है। तो इसी को प्रेस करना है। इसी को प्रेस करने के बाद या नीचे आपको लेफ्ट साइड का जो एरो बटन है, इसे प्रेस करके यहाँ से आपको आना है सेटिंग्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेस करते ही देखो, आपका बहुत सारे मेनू आ चुका है। यहाँ से आपको सेटिंग्स पे जाना है, ठीक है। आपको सैमसंग स्मार्ट टीवी का रिमोट चाहिए, देन डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप परचेस कर सकते हो, जिसका प्राइस आ रहा है 299 का। और अगर आपको सैमसंग 43 इंच का स्मार्ट टीवी चाहिए, देन दोस्तों 29,990 का आ रहा है, जो कि जिसका लिंक मैंने सेटिंग्स पे जाने के बाद एक बार ओके करेंगे तो यहाँ से आपको पिक्चर सेटिंग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, पिक्चर्स का ऑप्शन आ चुका है सबसे ऊपर। पिक्चर्स को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे आपको मिलेगा पिक्चर मोड, पिक्चर साइज सेटिंग और एक्सपर्ट सेटिंग मिलेगा। तो आपने एक्सपर्ट सेटिंग में आना है, ओके करना है और राइट एरो को प्रेस करना है, ठीक है। राइट एरो को प्रेस करोगे तो आपको ये कलर सेटिंग वाला पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। यार, यहाँ से आप अपना कोई भी कलर को चेंज कर सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है आप कम ज़्यादा कर सकते, कभी कलर ज़्यादा हो गया, कभी कंट्रास्ट ज़्यादा हो गया, कभी आपका शार्पनेस ज़्यादा हो गया, तो कुछ भी हो, यहाँ से आप कम ज़्यादा करके आप अपना चॉइस के मुताबिक सही कलर को सेट कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए कलर सेटिंग, चलिए एक बार बैक करके स्टार्टिंग से करते हैं आपको दोबारा एक बार, ठीक है। ऐसे चलिए हम बैक कर लेते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। बैक करके एक बार स्टार्टिंग से करेंगे। सबसे पहले होम बटन को प्रेस करना है आपको रिमोट में। होम बटन को प्रेस करने के बाद आपको देखिए, यहाँ से होम बटन मिलेगा, ये वाला बटन होम बटन है। और इसे प्रेस करने के बाद आपको लेफ्ट एरो को प्रेस करना है यहाँ से। चलिए हम होम बटन को यहाँ से प्रेस करते हैं एक बार। तो होम बटन को प्रेस करके यहाँ से आपको मेनू में जाना है। मेनू में जाने के बाद यहाँ से मेनू में सेटिंग्स पे जाना है, सॉरी सेटिंग्स पे जाना है। होम बटन को प्रेस करके सेटिंग्स पे, सेटिंग्स को एक बार ओके करना है। यहाँ से आपको पिक्चर आएगा, पिक्चर्स को एक बार ओके करें और यहाँ से आपको पिक्चर मोड, पिक्चर साइज सेटिंग, एक्सपर्ट सेटिंग पे जाना है। यहाँ से आपको ओके करना है, यानी कि राइट एरो को प्रेस करना है और यहाँ से देखिए कम ज़्यादा करना है। जिसको भी आप ज़्यादा या कम करना चाहते हो, सपोज मैंने कलर्स को या कम करना है, कलर्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर लेफ्ट एरो या फिर राइट एरो को प्रेस करके कम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अपना जितने भी चाहिए कलर्स, उतना ज़्यादा कलर्स रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, छोटा सा वीडियो में समझा पाया आपको सैमसंग स्मार्ट टीवी में कैसे आप कलर सेटिंग करोगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो का एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।